hello students this is the new video about atoms and molecules and our today's topic is dalton's atomic theory and here are the postulates of dalton's atomic theory we will discuss one by one students now we will discuss the first part of his theory which states that bhi matter all the matter is made up of atoms which are invisible जो भी मैटर प्रेजेंट है वो एटम से बना होगा और वो इनडिविजिबल है यानी कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता सेकेंड पार्ट थियरी का कहता है कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट किसी पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल हैं मतलब एक जैसे हैं इन मास एंड प्रॉपर्टीज ओके द थर्ड पार्ट ज़ कम्पाउंड्स आर कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कम्पाउंडस जो बने हैं वो टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के कम्बिनेशन से बने हैं फोर्थ पॉइंट इस थियोरी का कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ़ एटम्स होता है यानी कि ना ही तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एटम कैन नाइदर बी भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ठीक है और पार्ट ऑफ द थ्योरी हैड टू बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ सब ऑटोमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटोप्स यानी कि जब सब ऑटोमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तब इस थियोरी के कुछ पार्ट्स को मॉडिफाई कर दिया गया dalton's atomic theory explains laws of chemical combination first law that is law of conservation of mass is also explained by the dalton's atomic theory how it is explained by the dalton's atomic theory is साइंटिस्ट लेवोशियर गेव दिस कंसेप्ट ऑफ लाव कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम ठीक है और एटम क्या है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है इसलिए डाल्टन ने कहा कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स ऑलवेज रिमेन द सेम यानी कि कौन सा एटम है और उनका कितना नंबर है दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम बिकॉज एटम कैन नाइदर बी भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी कि एटम का एक डेफिनेट मास है और एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो जो टोटल मास है दैट रिमेंस अन अनचेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डाल्टन का सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो कहता है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स तो अगर काइंड ऑफ एटम फिक्स है तो ये इम्प्लाई करता है कि एक कंपाउंड जो है वो ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट क्योंकि काइंड फिक्स है ना तो फर्दर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज़ फिक्स यानी कि किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका नंबर भी फिक्स है जो ये रेशो की बात कर रहे थे जिसे हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब है कि रेशो जो है एटम्स की वो कंपाउंड में फिक्स है और क्योंकि एटम्स हैव फिक्स मासिज तो इसका मतलब अगर एटम्स का मास फिक्स है और किसी कंपाउंड में पर्टिकुलर एटम्स फिक्स हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो एक फ़िक्स रेशो में कंबाइन कर रहे हैं किस चीज़ के फिक्स रेशो बाय मास मास की फिक्स रेशो में फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर हमेशा क्या कंटेन करता है टू एलिमेंट्स कौन कौन से हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑक्सीजन जो सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं यानी कि हाइड्रोजन का मास यहां पर हम टू ले रहे हैं और ऑक्सीजन सिक्सटीन क्योंकि दो हाइड्रोजन है ना तो टू ले रहे हैं मास ठीक है और ऑक्सीजन का सिक्सटीन है इनका सिंपल रेशियो किया वन इज़ टू एट आया तो अगर हमें नाइन ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज करना है तो हमें क्या मिलेगा वन ग्राम हाइड्रोजन और एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हमेशा इनका रेशियो फिक्स रहेगा हाइड्रोजन वन रेशो में रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा एट रेशो में रहेगा वेन एवर द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ फॉर्म्ड तो इस तरह से डाल्टन सटामिक थ्योरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को भी जस्टिफाई करती है जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था बेटा इसे हम अगर और इजी वे में लेना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि वाटर चाहे टैप वाटर है चाहे लेक से है चाहे रेन वाटर है वो वाटर है और वो वाटर का मॉलिक्यूल है जो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होगा और वो भी एक फिक्स रेशो होगा उनका वन इज़ टू एट वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज इट ऑलवेज बी मेड अप ऑफ वन इज टू एट सो वट शुड बी ऑन योर टिप्स नाउ जो जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ लॉज ऑफ़ केमिकल कम्बिनेशन यानी कि दोनों लॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस सेकेंड दैट इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द लॉज हमने प्रैक्टिस किया था एंड थर्ड वन दैट इज़ हाउ डाल्टन्स थियरी एक्सप्लेन्स दीज बोथ द लॉज ऑफ़ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कैसे एक्सप्लेन करती है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट वट इज एन एटम वट इज अटोमिक नंबर वट इज अटोमिक मास सिम्बल्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस